चलती रहेंगी आंधियां, खिलते रहेंगे फूल, पर तुम्हारे अंदर जो खूबसूरत कला है उसे बाहर आने से कोई दायरे रोक नहीं सकते। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा और आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में मैं और दिव्या आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम अपने आप में ही बेहद खास है और आज आप सभी की सुबह को और भी खास और खूबसूरत बनाने के लिए कार्यक्रम का आगाज करना चाहेंगे गीत के कुछ बोलों से। उड़े बच्चिया तू ऊंची नीच धारा रे, मारे हिमाचल देखना सारा रे। उड़े बच्चिया तू ऊंची नीच धारा रे, मारे हिमाचल दर्शकों, आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोपाल सिंह हावी जी की। अगर बात हिमाचल की करें तो हम सभी जानते हैं कि हिमाचल का कल्चर बहुत रिच है और कहते भी हैं जिस राष्ट्र की अपनी कोई संस्कृति नहीं होती है उस राष्ट्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। और इसी कड़ी में अगर बात करें लोक संस्कृति की, तो लोक संस्कृति आजकल के टाइम में ऐसा है कि उसका संवर्धन और संरक्षण करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लोक संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, जिनमें अगर बात करूँ लोक नाट्यों की, लोक नृत्यों की, तो इन सभी चीज़ों को संजोने का प्रयास रहा है गोपाल सिंह हावी जी का। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोपाल सिंह हावी जी, जिन्होंने लगातार कई वर्षों से संस्कृति को, लोक संस्कृति को संजोने का प्रयास किया है और संरक्षण किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मिलवाते हैं आपको बिना देर किए हुए गोपाल सिंह हावी जी से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, हिमाचल के सभी दर्शकों को गोपाल हावी की ओर से नमस्ते और दूरदर्शन केंद्र का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम आपने चलाया है, खैर मैं तो छोटा सा कलाकार हूँ, परंतु इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिन्होंने विभिन्न कलाओं में, लोक संस्कृति में अपना योगदान दिया है, उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। और आज मुझ छोटे से कलाकार को भी यहाँ पर आने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे भी दूरदर्शन केंद्र शिमला के माध्यम से कई कार्यक्रम प्रस्तुत करते आए हैं और उस दौर से लेकर के जब कभी दूरदर्शन केंद्र शिमला का एक छोटे कम टाइम की प्रस्तुति होती थी और उसमें हम लोक नृत्य किया करते थे, तो उस दौर से लेकर के आज तक दूरदर्शन केंद्र शिमला से हमने काफ़ी कुछ सीखा है किस तरह मंचीय प्रस्तुति को एक पारंपरिक तरीके से प्रस्तुत करना है। तो ये सब हमने दूरदर्शन केंद्र शिमला से सीखा है, तो हम पुनः हार्दिक धन्यवाद करते हैं दूरदर्शन केंद्र। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं संस्कृति का जो संवाहन है वो होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं सर ने बहुत हेल्प की है हमारी लोक संस्कृति जो विलुप्त हो रही थी उनको सामने लाने में। बिल्कुल दोस्तों, कहा भी जाता है कि यदि किसी जगह की संस्कृति के बारे में आपको जानना है तो वहाँ के लोकगीत, लोक नाट्य और लोक विधाओं के बारे में आपको जो ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात की जाए हावी साहब की, तो इन्होंने लोक नाट्य, लोक गीत और इवन के जो परिधान है उसके लिए अपना जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और इसके साथ ही साथ हावी साहब जो है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक इस कला को आगे पहुँचाने का भी एक गुरु की भांति कार्य कर रहे हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर हावी साहब आपका। वैसे आपका जो परिचय है वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है और आपने बहुत काम किया। यूं तो आप कह रहे हैं कि आप एक छोटे से कलाकार हैं, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन आपका काम जो है दुनिया को पता है।
हमारे प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया आपके काम को सराह रही है, लेकिन हमारे जो दर्शक है वो आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। प्रारंभिक जीवन बचपन का जो रहा है, बचपन से ही गाने बजाने में शौक़ था, गाने में और नृत्य करने में विशेष करके शौक़ रहा है। और बचपन में मुझे याद है कि मैं तो दूसरी या तीसरी कक्षा का विद्यार्थी रहा होगा, स्कूल में बाल सभाएं होती हैं जी, तो कुदरती शर्म पहले से नहीं थी, पहले से बेशर्म रहा हूँ। तो जब भी वहाँ कार्यक्रम होने, तो मुझे पहली दफ़ा याद है जब बाल सभा हो रही थी, तो उस टाइम नाटियाँ नहीं, हम चित्रहारा आता था, तो उसमें पुराने गाने हम सुनते थे। तो एक दिन जब बाल सभा हुई तो मुझे लगा मैं भी कुछ वहाँ से गा सकता हूँ। कहते कोई बच्चा खड़ा हो जाओ, कोई गाना चाहता है तुम, और मैं एकदम खड़ा हो गया। अब कोई बार बार बुलाते हैं तो कोई नहीं आ गया था, क्योंकि पता है वहाँ बच्चों के सामने खड़े होकर के, जब मैं सामने खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मैं कहीं गलत ना गा लूँ, गलत आ गया आगे, मतलब करो बेटा शुरू करो। और मैंने एक गीत शुरू कर दिया, जाने वाले ज़रा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। तो वो मन में गीत जो है सुने हैं वो मन में चलते रहते थे। अब हिंदी मुझे नहीं आती थी, ये नहीं था पता कि क्या अगला गा क्या रहा है जी। क्योंकि हमारे टाइम में हिंदी भी हम तीसरी चौथी तक भी उसमें सिरमौरी हिंदी मिक्स करके बोल देते थे और गुरुजी समझ लेते थे, क्योंकि उस टाइम की गांव का पढ़ाई का माहौल ही ऐसा होता था जी। बड़े सीधे साधे होते थे हम, सीधे क्या, बड़े ही सीधे और साधे होते थे। तो मैंने उसमें क्या गा लिया कि गाने वाले ज़रा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, और बच्चे हंसने लग गए आगे जी। भाई मैंने कहीं गलत गा लिया हूँ, मैं अपना गाता रहा जितना मुझे आता था, दो चार लाइनें गाई बैठ गया मैं। अब जब छुट्टी हुई तो हालांकि गुरुजी ने बच्चों को डांटा, भाई ये कम से कम आगे आकर के गा तो रहा है, तुम भी अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गया हो, कोई नहीं आया आगे। अब छुट्टी हो गई, छुट्टी के बाद सब बोले जाने वाले ज़रा होशियार, तब भी मेरी समझ में बात नहीं आई जी। फिर मुझसे बड़े भाई जब घर आए, कहते यार तू, तेरे को जब गाना नहीं आता, गीत के बोल पता नहीं, तू गाता क्यों है? मैंने कहा क्या गाया, होशियार होता कि होशियार होता है? मैंने ठीक है, तू गा लिया सो गा लिया। जब भी बाल सभा होनी मैंने जरूर कुछ ना कुछ गाना, चाहे ऊँट पटांग ही गा लिया। फिर आगे मिडल में गए, मिडल में भी यही रहा, जब भी स्कूल में प्रोग्राम होगा तो मैं जरूर कुछ ना कुछ गाऊंगा वहाँ। मतलब मेरे अंदर ये एक नशा सा था कि जब लोग इकट्ठे हो गए तो वहाँ मैंने गाना ही है, चाहे कैसा भी गा लूँ। हालांकि मुझे पता है कि आज भी मैं शर्म महसूस करता हूँ कि हम कैसे बेशर्म थे कि वहाँ जा कर के कुछ भी गा लेते थे जी। फिर यही आगे कॉलेज में भी, जब भी कोई ऐसे हमारे फंक्शन एसोसिएशन के होते थे या कॉलेज का कोई फंक्शन होता था तो मैं ज़रूर उसमें गाता था। और फिर तो मुझे बोलते भी थे कि आके आप गा सकते हैं, परंतु मुझे ये पता नहीं था कि मैं गा क्या रहा हूँ। आज भी मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आदमी की समझ बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर जरा ज़्यादा शर्म आती है। बिल्कुल, एक अनजान आदमी कुछ भी गा लेगा, कुछ भी बोल देता है जी। दिव्या कितनी खूबसूरत बात कही है हाबी साहब ने, जब हम छोटे बच्चे होते हैं हम वो बिना शर्म के वो काम करते हैं और हम बिल्कुल ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। और जैसे आपने कहा कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कोई भी कार्य चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हम ये जरूर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और जिंदगी में अगर बड़ा करना है हाबी साहब की तरह और भी आप किसी और मुकाम में जाना चाहते हैं तो शर्म छोड़नी पड़ेगी और ये भी सोचना छोड़ना पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं। क्यों दिव्या? जी बिल्कुल मेघा, जैसे सर बात करें अगर इंसान के व्यक्तित्व की, तो हम सभी जानते हैं एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है उसके परिवेश से, उसके घर का माहौल कैसा है, उसको शिक्षक कैसे मिले। तो आजकल के टाइम में आपको एज अ यू नो रोल मॉडल मानते हैं कि लोक संस्कृति में अगर काम करना है तो आपसे सीखें, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका कैसा परिवेश रहा और जो आपकी ये जो व्यक्तित्व है जो बहुत ही आजकल के टाइम में यूँ कहूँ कि लोग सराहना करते हैं, वो आपको कैसा माहौल मिला, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली लोक संस्कृति के संवाहक बनने की और इससे जुड़ने की? मेरे पिताजी स्वयं कलाकार रहे जी, और रेडियो से वो मान्यता प्राप्त कलाकार थे, उनके गीत रेडियो पर आते थे। और उसके साथ साथ वो हमारे जो करियाला पार्टियाँ, उस टाइम करियाला पार्टी द्रावला वो बड़ी नामी करियाला पार्टी होती थी जी। तो उसके भी मुख्य कलाकार रहे हैं, तो उस ज़माने में कलाकार शौकिया रूप से काम करते थे, उनका काफ़ी नाम था। तो कुदरती ये सांस्कारिक रूप से आगे बच्चे भी कलाकार ही बनते जी। तो बचपन से तो हमने कभी सोचा नहीं कि
इस तरह इस क्षेत्र में हम गहनता से काम करेंगे। और फिर समय के साथ साथ शौक तो बचपन से था, परंतु वो शौक ही था सिर्फ। समय के साथ साथ क्या हुआ कि बड़े भाई जोगेंद्र हाबी, उन्होंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया, तो परिवार का माहौल बनना शुरू हो गया। घर में साजबाज थे, उन्होंने हारमोनियम ले लिया तो हम हारमोनियम में लगे रहते थे जी। हारमोनियम बजाना किससे नहीं सीखा प्रॉपर, कैसे बजाया जाता, पर घर में आस्ते आस्ते सीखते रहे। आगे जा कर के फिर सांस्कृतिक दल में जब जुड़े तो फिर उसमें कुदरती काम में निखार आता रहा। पारिवारिक जो माहौल इस तरह का बन गया, जब कलाकारों का घर में आना जाना हो, और बड़े भाई जो है वो उन्होंने पूरा मतलब समर्पित होकर के इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया जी। तो कुदरती मेरा भी रुझान बनता रहा। परंतु अभी भी जब मैं ये मानो कि सेकेंडरी में पहुंच गया, कॉलेज चला गया, तब भी ये नहीं था कि इस फील्ड में भी जाऊंगा मैं। और इवन कॉलेज करने के बाद भी मैं नौनी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट में नौकरी करने लग गया जी। दो तीन तीन साल क्या ढाई तीन साल मैंने वहाँ पर नौकरी की। उसके बाद भाई ने कहा कि इस काम को छोड़ दीजिए, वैसे भी आप यहाँ पर जो है एक फिक्स पे नौकरी कर रहे हैं, और देखा कि ये आदमी इस फील्ड में कामयाब हो सकता है जी। तो मैंने कार्यक्रम में भाग लेना शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ जो है जो अब उनका भी जो है दायरा बढ़ने लग गया। अभी सिर्फ सिरमौरी नाटी पे काम कर रहे हैं, फिर आगे जो सेंटू नृत्य है उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मेरा भी इन जो ये विधाएं हैं इनकी ओर रुझान बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि अगर हम बचपन की बात देखते हैं तो बचपन में इन विधाओं को बचाने का इतना वो नहीं था, क्योंकि हर घर में जो है कलाकार होता था जी। जब गांव का माहौल लोग इकट्ठे होते थे, हमने वो समय देखा है। बचपन का मुझे अच्छी तरह याद है जब घसाई बोलते हमारे घास काटना, जब लोग इकट्ठे होकर के पूरे गांव के लोग घास काटते थे, गोबर उठाते थे, और हेल्ले वगैरह हमारे होते थे, गुड़ाइयाँ होती थी जी। तो उस वो गाजे बाजे के साथ होती थी गुड़ाइयाँ, हम करते थे तो ढोल बजाते हुए जी। उस पर ताल बजता था, तो अगर ताल वो तेज गति का तो लोग उसी ताल के साथ काम करते थे जी। तो हमने वो माहौल देखा था, हम सोचते हैं कि ये विधाएं कभी ख़त्म नहीं होगी, ये लोक संगीत ऐसा ही रहेगा। घासन में जब हम घास काटते थे तो गंगियाँ हमने सुनी है, निबद्ध गंगियाँ गाई जाती थी, झूरियाँ गाई जाती थी, और वो घसाइयाँ जिसको हम बोलते हैं ना घास काटने के लिए, वो एक अगर एक घासन में यहाँ लगी तो दूसरे गांव में भी लगी होती, तो उनके सवाल जवाब होते थे जी। तो उस समय हमें नहीं था कि ये विधाएं ऐसी है कि इनको बचाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, परंतु उस दौर में और अब तक पहुँचते हुए आज ये चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। तो फिर लगा कि वाकई इसमें तो जो है हमें इसके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। और कुदरती जब ऐसा माहौल हो घर में, इस पर जो बड़ा भाई ये काम कर रहा हो और वो भी पूरी गहनता से, तो फिर हमने सोचा कि वाकई हमें इसमें कार्य करना चाहिए, ये विधाएं तो वाकई विलुप्त हो रही हैं। और कुछ ये भी विचार आया मन में कि ये ऐसी विधाएं हैं जो कभी जो है मनोरंजन का साधन रही है जी। और कुछ विधाएं ऐसी जो देव परंपरा से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल, तो ये ख़त्म हो जाएगी आज के 10 साल बाद, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो कुदरती फिर धीरे धीरे जो है इसमें रुचि बढ़ती रही, और समय के साथ साथ इसमें काफ़ी कुछ कार्य हुआ, और आज जो है ये विधाएं इतनी लोकप्रिय हो गई है कि इसको नौजवान भी पसंद करते हैं जी। बिल्कुल हाफिज साहब, तो आज के समय में ये लोक विधाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो क्यों ना अपने दर्शकों को एक गीत और सुना लिया जाए। ओ पे तेरी पोड़ा ताई ने रे हो बटरी बेलू, ओ छोड़ की तारोड़ा रे हो बटरी बेलू, ओ तेरी पोड़ा ताई ने गे हो बटरी बेलू, ओ छोड़ की तारोड़ा रे हो बटरी बेलू। आए पे फूल जांदा फूल डूबे हो पटरी बेलुए, डाड़े तिरो धाए पे हो पटरी बेलुए, ओ फूल जांदा फूल डूबे
बेगो बटोरी बेलुवे पोटाल टीरो डाए बेगो बटोरी बेलुवे आए बे मीने जानी मा करे बेगो बटोरी बेलुवे ओ पाउनी रोए आए बेगो बटोरी बेलुवे ओ मीने जानी मा करे बेगो बटोरी बेलुवे ओ पाउनी रोए आए बेगो बटोरी बेलुवे आए बे चोरु पोड़ा गोड़ा बेगो बटोरी बेलुवे ओ चोरु पोड़ा गोड़ा बेगो बटोरी बेलुवे ओ चोरु पोड़ा गोड़ा बेगो बटोरी बेलुवे चोरु पोड़ा गोड़ा बेगो बटोरी बेलुवे बहुत खूबसूरत नाटी। सर इस नाटी के बारे में ही जानना चाहूंगी, कौन सी शैली थी और कैसा गीत था और इतना सुंदर प्यारा, कान में ऐसे लग रहा था जैसे सुनते ही जाएं, इस गीत के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो जो नृत्य जो है वो सिरमौरी नाटी के अंतर्गत परात नृत्य है जी, और आप तो जानते हैं कि सिरमौरी नाटी को हमारे जो दल के मुखिया जोगेंद्र हाबी, इन्होंने इस स्तर पर पहुंचाया कि आज सिरमौरी नाटी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ जी। पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, उसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, और अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है। और इस नाटी को परिष्कृत रूप से प्रस्तुत करने के लिए इस जितनी भी हमारे सिरमौर की नृत्य विधाएँ हैं, चाहे वो रिहाल्टी गी है, चाहे ठोडा है जी, दीपक नृत्य है, मुंजरा है, परात नृत्य है, रासा, हुड़क नृत्य आदि, इन सब विधाओं को एक परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करके इसको इस लेवल पर पहुंचाया है जी। और इसके लिए हम अपने दल के भी धन्यवादी हैं, क्योंकि उन कलाकारों ने पूरी लगन के साथ काम किया है, और ये कार्य तभी संभव हो पाते हैं जब इसमें कलाकार, पूरी टीम अनुशासित और पूरी लगन के साथ कार्य करें। तो जो नृत्य था ये परात नृत्य था, और ये विशेष करके जिला सिरमौर का ही नृत्य है, और इस नृत्य को भी हमने और अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया है। हम प्रयास करते हैं कि दो कलाकार एक दूसरे की ओर परात हवा में उछाल करके उसको फिर उंगली पर केंद्रित करें, और डंडे से भी एक दूसरे की ओर उछाल करके उसको डंडे पर केंद्रित करें जी। तो ये सारा प्रयास है, और आज सिरमौरी नाटी का नाम जो है वर्ल्ड बुक में दर्ज हो चुका है, ये हमारे हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़े गौरव का विषय है। तो ये सारा जो है तभी जब हमें जो है एक ऐसे कलाकारों की टीम मिली और ऐसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला जो पूरी मेहनत के साथ, और दूसरी बात है अनुशासित होकर के कार्य करते हैं। अनुशासन का होना कलाकारों के लिए बड़ा ज़रूरी है, तभी इस तरह की विधाएँ जो है वो समाज के सामने लाना संभव होता है जी। जी गोपाल हाबी जी, आपकी बात करें तो आज के समय में आप लोक नृत्य करते हैं, लोक नाट्य करते हैं, और एक जिसमें आप सबसे ज़्यादा आपका योगदान है वो है जो पोशाक आप बना रहे हैं, मुखौटा नृत्य जब आप करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो हमें पता है कि आपका पारिवारिक माहौल था, अगर हम लोक नृत्य की बात करें, नाट्य की बात करें, लेकिन जो पोशाक बनाने का कार्य है, जो पारंपरिक परिधान है जो नृत्य करते समय पहने जाते हैं, उसकी प्रेरणा के बारे में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। हमारे जो जितने भी लोक नाट्य लोक नृत्य हैं उसमें मुखौटों का भी विशेष महत्व है। मुखौटे हम जब भी बचपन में लोक नाट्य देखते थे उसमें एक तो पात्र ऐसा होता था कि मंच से बाहर जो मुखौटा पहन करके नृत्य करता रहता था जी। और मैं जब भी ये लोक नाट्य देखता था तो मेरा ध्यान मंच पर कम उसकी तरफ ज़्यादा होता था। मुझे लगता था मैं भी ऐसा मुखौटा पहन के अगर नृत्य करूँगा तो लोगों को कितना आनंद आएगा, क्योंकि मुझे खुद आनंद आता था। अब जब इस क्षेत्र में हम जुड़ गए तो पहले तो सिर्फ नृत्य तक सीमित थे, परंतु साथ में जब विद्वान लोग साथ हो, पद्मश्री विद्यानंद सरेख जैसे जो साहित्यकार भी है, लोक कलाकार भी हैं, और बड़े भाई
के साथ मिलकर के काम किया तो कुदरत ही हमने एक बात महसूस की कि आज ये लोहिया है, इसको बनाने वाले भी कारीगर बच्चे हैं, अभी चोल्टू बनाने वाले कारीगर हैं, छोटे का पजामा बनाना है तो उसको बनाने वाले भी कारीगर बच्चे हैं, परंतु हम मुखौटा बनाने वाले कारीगर समाज में कम हैं। कम क्या, ना के बराबर हैं। और अब जो तो हमारी पोशाकें हैं, जैसे हमने जब काम शुरू किया, चाहे सेंटू की पोशाकें हैं चाहे बढ़ालटू की है, तो उसको बनाने वाले तो कारीगर है ही नहीं जी। अब अगर मुखौटे की हम बात करते हैं तो मुखौटे में भी जो हमारे यहाँ पर कारीगर बहुत हैं, मंदिरों के लिए जो काम करते हैं, वो नक्काशी करते हैं लकड़ी की, बहुत अच्छी करते हैं, परंतु अब एक कारीगर मात्र सिर्फ नृत्य के लिए मुखौटे तैयार करने लग जाए तो शायद उसका गुजारा नहीं होगा। और एक सांस्कृतिक दल को या एक कलाकार को उस कारीगर की दिहाड़ी देना, अगर उसको स्पेशली मुखौटा बनाने के लिए बैठाया जाए तो वो भी इतनी दिहाड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि मंदिरों के लिए जो कारीगर काम करते हैं वो उनकी दिहाड़ी, उनका मेहनताना ज़्यादा होता है और स्वाभाविक है, उन्हें मिलना भी चाहिए क्योंकि वो इतना मेहनत से काम करते हैं। तो हमने ये देखा कि हमें जो है इन पोशाकों को स्वयं बनाना चाहिए। तो समय के साथ साथ जरूरत, मैं मानता हूँ कि जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हम सुनते हैं, तो मैंने भी सोचा कि हमें अब जरूरत है इस पर खुद काम करना चाहिए, बजाय हम किसी को ढूंढने लग जाएं, क्योंकि कारीगर आज समाज में है ही नहीं। और आपके मन में क्या पिक्चर है, आपने किस तरह डांस को तैयार करना है, और एक कलाकार एक किस नज़रिए से सोचता है, और कारीगर को उसे बताना, शायद वो कारीगर उस बात को उस तरह से ना समझ पाए। जी बिल्कुल। तो ये इसी से हमें प्रेरणा मिली और जब कार्य करना शुरू किया। अगर हम ये बढ़ालटू की बात करते हैं, बढ़ालटू के लिए कई साल पोशाक तैयार करने में लगे, तो जब शुरुआत में कई खालें इकट्ठी की, तो खालें इकट्ठी करके फिर एक मेरा ही सहपाठी रहा है प्राइमरी का, वो तो पुश्तैनी रूप से वो कारीगर हैं, जूते बनाते हैं। हमने सोचा भाई साहब से जब बात हुई कि वो आदमी सूटेबल है, क्योंकि उसने जो है पहले ठोडे के लिए हमारे बूट भी बनाए और कारीगर हैं, तो हमने सोचा कि ये जो काम ये खाल बनाने का, खाल से ड्रेस बनानी है, ये क्यों ना बेहतर रहेगा कि हम जो व्यक्ति इसमें माहिर है, जो जूते बनाते हैं, उनसे काम करवाया जाए। तो उनसे खालें साफ़ करवाई गई, काफ़ी समय उसमें लगा, मेरे ख्याल कोई 1.5-2 साल का अंतराल उसमें निकल गया। तो हम उस समय, उस टाइम हम रहे सिर्फ ठीक ये काम कर लेगा, तो हम तो सिर्फ गाइड के रूप में रहे। 2 साल बाद जब हम एकत्रित हुए और उसको भी घर में बिठाया और ये खाल अपने ड्रेस बनाने का काम शुरू किया, तो उस कारीगर ने पूरी ड्रेस तैयार कर दी जी। परंतु हमें बड़ी निराशा हुई कि वो परिधान हमारे अच्छे नहीं बने। हम दूर से देख रहे थे, हालांकि ड्रेस हमने पहननी है, अभी भी हमारे मन में ये था कि इसको पहनेंगे कैसे। फिर उन्हीं को मैंने कहा कि भैया जरा आप इसको पहन के देखो, हम देखें तो कैसे लग रहे हैं आप। यहाँ तक कि हमारा कारीगर भी उसे पहनने में गुरेज कर रहा है जी। फिर हमने विचार किया कि इस ड्रेस को कलाकार कैसे पहनेंगे, हम कैसे पहनेंगे, अल्टीमेटली तो हमने डांस करना है इसको पहन के। फिर मुझे थोड़ी सी चिढ़ पैदा हुई उस समय कि देखो ये कारीगर जो ये काम करता है वो भी इसको नहीं पहन रहा है। और हमने देख लिया कि हमारा सारा जो मेहनत है बेकार होगी, सारा खर्च भी बेकार हो गया। अब 1.5-2 साल इसमें लग गया है, कई जगह से खाले इकट्ठी की। फिर जो बड़े भाई हैं वो तो खैर परवाह नहीं करते, ना खर्च की परवाह करते हैं, क्योंकि उनका ये कि जो चीज़ तैयार करनी है, कहते तो कोई बात नहीं मोर मंगवा देंगे, खर्च काफ़ी हो गया, कहते तो कोई बात नहीं है, फिर तैयार कैसे करेंगे। मैंने बोला हम खुद तैयार करेंगे। तो ठीक है, जब इतना जुनून है तो फिर और एक बार ये और ट्राई करते हैं। फिर कई जगह से फिर खालें इकट्ठी की और उसके बाद फिर हम स्वयं हमने काम शुरू किया। हमने यही विचार किया कि हम कलाकार हैं तो एक कारीगर से अच्छी समझ तो हमें होगी ना, क्यों हम ट्राई करते हैं। और ट्राई किया जी हमने, फिर जैसे काम करना शुरू किया तो फिर आपको बताइए बकरी के जब खालें पे काम करना है तो सारे में बाल उड़ने शुरू हो गए। अब हमारे गांव की नज़र में अलग पिक्चर बन गई कि ये लोग जो है एक राजपूत होकर के ये काम क्यों शुरू कर रही है, क्या इनके पास और कोई काम नहीं है। तो लोग बोलते यार क्या काम शुरू कर दिया तुमने, और ये कहते थोड़ा सा गांव से दूर ले जाओ, सारे हमारे बाल जो कहीं पानी की बाल्टी में जा रहे हैं, कहीं कपड़ों में लग गए हैं।
फिर हम दोनों भाई उठ करके थोड़े गांव से किनारे अखरोट के पेड़ के नीचे चले गए। फिर वहाँ हमने शुरू किया उसको काटने का, सिलने का काम भी, सिलने की प्रैक्टिस भी करता रहा, क्योंकि सिलते हुए मैंने देख लिया था उसको, उसकी अलग किस्म की सुई होती है। अपने सारे जो हमने बाज़ार से नए औजार खरीद के लाए और काम शुरू किया जी। जब हमारी एक ड्रेस तैयार हुई तब फिर मन में आशा आ गई कि तो कुछ काम तो हो रहा है। फिर सारी धीरे धीरे ड्रेस बनानी शुरू की, फिर दोबारा कारीगर को बुलाया, कहीं पर उसमें टांके लगाने हैं उसने सहयोग दिया, तो फिर उस कारीगर को भी उसकी मन में आशा होगी कि नहीं है तो वाकई कहीं ना कहीं हमारी मेहनत भी अब मैं सहयोग दे सकता हूँ उनका। हमने उसका मन भी नहीं तोड़ा, हमने बोला कुछ टाइम आप आराम करो और हम कुछ दिन बाद आपको बुलाएंगे। फिर हम दोबारा दोनों बैठे और साथ में भाई साहब से और सरेख साहब से भी मंत्रणा लेते रहे भाई किस तरह से इसको शेप दी जाए, किस तरह के हमारी टोपियाँ बने। और उस दौरान आप देख रहे होंगे डिस्प्ले लगाई है आपने, उसमें मेरी शक्ल तो एक कारीगर जो था उसी की तरह मैं हो गया था। ये लगता है कि वाकई ये आदमी जूते बनाने वाला है। तो लोगों ने कहा ये काम क्या काम शुरू कर दिया। खैर हम कभी परवाह करते भी नहीं हैं, क्योंकि जब आपकी समझ कहीं और की हो, जब आपका लक्ष्य कुछ हो तो आप लोगों की आप परवाह भी नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, जी। और धीरे धीरे फिर ये डांस तैयार हुआ, फिर सरेख साहब ने इसके लिए गीत लिखे। और संयोग से ये भी रहा कि सरेख साहब जब भी गीत लिखते रहे तो हमारे मध्य में आकर के लिखते रहे, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में वो लिखते रहे और हमसे ही तैयार करवाते रहे। नृत्य तैयार हुआ, उसके बाद फिर इसके ट्रायल शो किए गए, पब्लिक का क्या इसके बारे में राय है, उसमें किस तरह का संशोधन करना है, ये सब देख करके फिर उसमें सुधार करते रहे। और आज जो है आप देख रहे हैं कि यही भड़ालटू नृत्य हमारी टीम ने प्रदेश में तो अनेकों जगह दिखाया, परंतु प्रदेश से बाहर भी मैं मानता हूँ पिछले 8-10 सालों से, 10-12 सालों से अनेकों जो ट्राइबल फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर पूरे इंडिया के जो है ट्राइबल डांसेज आते हैं, उसमें हमारे भड़ालटू नृत्य की, जो ये हमारे हाटी जनजातीय क्षेत्र का नृत्य है, इसकी अलग पहचान होती है। जी, जी। और अनेकों बार जो है हमारे चाहे वो विभिन्न विभागों के बड़े अधिकारी हो, चाहे वो मंत्रालय के लोग हो या मंत्री की बात हम करते हैं, संस्कृति मंत्री, उन्होंने बड़ी सराहना की है कि आपका जो नृत्य है आपने इसमें पूरी पारंपरिकता को बरकरार रखा है। बिल्कुल। नहीं तो आजकल नृत्य में क्या हो गया कि उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक कल्चर मिक्स हो जाता है, मॉडर्न सामान उसमें दिखता है। आपका सामान जो है, आपका जो भी साजो सामान है चाहे आपके परिधान है, उसमें पूरी पारंपरिकता दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जो ये कदम है बहुत ही सराहनीय रहा ओमेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कृति हमारी पहचान है और लोक संस्कृति, जैसे हिमाचल में आप काम कर रहे हैं, अगर बात करें भड़ालटू नृत्य की तो वो बहुत ज़्यादा उस पर आपने काम किया, उसके संरक्षण के लिए काम किया। लेकिन जानने से पहले, भड़ालटू नृत्य के बारे में जानने से पहले आपको दिखा देते हैं ये नृत्य की झलक। बांगे पानी री चिष्टी गुजरो रे ताठे, बांगे पानी री चिष्टी गुजरो रे ताठे, शेर गोड़ो भेटना हमरो री पाठे, शेर गोड़ो भेटना हमरो री पाठे, तोरा दे रोगुआ रे, तोरा दे रोगुआ रे, तोरा दे रोगुआ मेरा चांदिया सोड़ा बड़ाए पिए झला मलिए, तोरा दे रोगुआ छोड़ा बड़ा दिए जला मलिए, उनको पांडे खिलवा गाच दिशोड़ा, घोड़ा बड़ा दिए जला मलिए, उनको पांडे खिलवा गाच दिशोड़ा, घोड़ा बड़ा दिए जला मलिए। नाथ पिंजरू बांटिए रघुबत का छोड़ा बढ़ाटिए झला मलिए, नाथू पिंजरू बांटिए रघुबत का छोड़ा बढ़ाटिए झला मलिए, नाथू पिंजरू बांटिए रघुबत का छोड़ा बढ़ाटिए झला मलिए, मुंडो पांडे खेलवा गाजे छोड़ा घोड़ा बढ़ाटिए झला मलिए,
बहुत ही खूबसूरत एक गीत। हाबी जी, बात की जाए हिमाचल की या भारत की, बहुत ही विविधताओं भरा देश है, और हमारे प्रदेश की बात करें तो हर ज़िले के लगभग अपने अपने जो है लोक गीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं। हमारे अगर किन्नौर लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ क्यांग ब्यांग ब्यांगछू करके रहता है, और हमारे अगर कुल्लू की बात करें कथड़ी वहाँ रहता है, और सिरमौर और हमारे महासू क्षेत्र की बात करें तो जो अभी हमने अपने दर्शकों को भी नृत्य दिखाया उनमें से वो भी एक होता है। तो बढ़ालटू के बारे में थोड़ा बताएं कि इसके बारे में कि ये जो लोक नृत्य है ये किस तरह से आया, इसके पीछे क्या स्टोरी है, तो उसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। दरअसल जो ये नृत्य है, अगर हम देखें आज के परिवेश का, अगर मैं उदाहरण दूं, छोटा सा उदाहरण देता हूं, बचपन में हम हल चलाते थे तो हमें पता कि बेलों से हल चलता है, फिर हल लकड़ी का हल होता था और किस तरह से खेत जोतते थे जी। आज के समय में हम देखते हैं कि टिलर आ गए हैं, अब धीरे धीरे बेल गायब हो गए हैं। कल को हमारे जो बच्चे होंगे जी, तो उनको ये पता नहीं होगा कि कभी ये जमाना भी था जब हल जो है वो बैल के माध्यम से खेत जोते जाते थे। यही समय वही जो है बढ़ालटू की स्थिति है। ये उस समय का नृत्य है जब लोग पोशाकों के लिए खाले पहनते थे। जब हमने ये नृत्य बनाया तो जो हमारे साथ कारीगर थे जी, उन्होंने बाकायदा ये बताया, कहते अपने कोई उनकी दूर की रिश्तेदारी में, कहते हमारे एक बुजुर्ग थे वो यही पहनते थे खाले, जो भेड़ बकरी खाले, तो वो बताते थे, कहते पहले लोग इसी को तो पहनते थे और आज भी हम जब खाले पहनते हैं हमें लगता है कि इसमें ठंड लगती होगी, जितनी बॉडी में आपकी खाल है उतनी बॉडी गर्म रहती है। हमने दिसंबर में भी जनवरी में भी इसके कार्यक्रम दिए हैं जी। तो अब ये नृत्य उस जमाने का है जब लोग खाले पहनते थे, और विशेष करके नृत्य उन लोगों का है जो घुमंतु रहे हैं, भेड़ बकरी पालक रहे हैं। हमारे पूर्वज जो है वो भेड़ बकरी पालन उनका जमींदारी के साथ साथ, खेती बाड़ी के साथ साथ ये भी एक व्यवसाय रहा है कि वो इन भेड़ बकरियों को पालते थे। सिरमौर का तो क्षेत्र ऐसा रहा है कि यहाँ पर त्यौहार होते हैं, और ये जो महीना है इसमें, इससे पहले जो है तो धर्मी महीना कहते हैं हमारे, इसमें कोई किसी जीव की हत्या नहीं होती, परंतु इससे पहले जो है सारे बकरे कट जाते हैं, खड्डू कटते हैं, तो इसलिए भी जो है वो त्यौहार मनाते हैं। तो पहले से लेकर के भेड़ बकरी पालन यहाँ का जो है मुख्य व्यवसाय रहा है खेती बाड़ी के साथ साथ। तो ये लोग जो है वो अभी तक ये प्रथा रही है कि भेड़ बकरी पालक जो है वो गर्मियों के दिनों में ठंडे इलाकों में जाते हैं, और विशेष करके हमारा जो चूड़धार का क्षेत्र है उसके आसपास की पहाड़ियों में वहीं रहते थे, वहीं पर वो डेरे बनाते थे रहने के लिए। और जब सर्दी वहाँ पर पड़नी शुरू होती थी तो निचले इलाकों में, जिसको नेवड़ कहते हैं जी, तो निचले इलाकों में आते थे, गर्म इलाकों में आते थे। तो अब वहाँ जब भी वो गर्मियों में जाते थे तो वहाँ पर भी एक उनका एक आयोजन होता था, वहाँ पर भी मनोरंजन होता था जी। तो ये इसी नृत्य, इस नृत्य के लिए जो भी इनके नृत्य होते थे उसके लिए खाले पहनते थे। और विशेष जो इनका बढ़ालटी संक्रांत जो है ये कार्यक्रम होता था, क्योंकि पहले से लेकर के देवास्था तो है ही जी, और चूड़धार के जंगलों में जब रहना है तो वहाँ पर शेरगुल की आस्था ये उनके मन में थी शेरगुल के प्रति, और देव शेरगुल से जो है प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवरों का भी जो है उनसे अपनी मवेशी है उनको बचाना है, स्वयं भी बचना है जी। और साथ में बंशीरा जो है उसका डर होता था वहाँ पर कि उसका जो प्रेत वहाँ पर आता है वो बिना सिर का आदमी दिखता है उसमें, उससे बचने के लिए भी शेरगुल से प्रार्थना करते थे, भाई हमें कहीं डराए ना, हमारी मवेशियों को कोई नुकसान ना हो। तो एक जो बढ़ालटी संक्रांत होती थी जी। जब इसके बारे में अध्ययन किया गया, सरेख साहब ने और बड़े भाई साहब ने जानकारी एकत्र की, तो ये बताया गया कि विशेष उनका ये समारोह होता था जी। हाबी साहब, आपने अभी प्रेतों की बात की ही है, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जितने भी हमारे लोकगीत होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, वो मनोरंजन का साधन तो होते ही है, लेकिन वो देव परंपरा से भी जुड़े होते हैं, आस्था का प्रतीक होते हैं। प्रेतों की बात की तो डग्याली एक नृत्य होता है, तो कहीं ना कहीं वो भूत प्रेतों से संबंधित होते, तो उसके बारे में थोड़ा बताए, क्योंकि आपने उसके लिए जो मुखौटे भी बनाए हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, और उसके बाद हम डग्याली की एक झलक भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे।
दगियाली नाच के बारे में तो हम बचपन से सुनते आए हैं जी, और इसकी अनेकों कहानियाँ, अनेकों इसके प्रमाण आज भी हमें कई जगह मिलेंगे, कई जिलों में, मात्र सिरमौर में ही नहीं जी। तो जी। जब दगियाली नाच सब लोग कहते हैं तो इस पर विचार किया बड़े भाई साहब ने, जुगेंद्र हाबीज ने और सरेख साहब ने। तो भाई जब ये नाच है तो अब लोग इससे डरते भी हैं जी, हालांकि आज के नौजवान इस बात को नहीं मानते हैं जी। परंतु आज भी हमारे समाज में, हमारे क्षेत्रों में से प्रमाण है कि जो डिगियाली ने जो मतलब जो इस रात्रि को प्रपंच दिखाए हैं। और डिगियाली नाच के बारे में अगर बताऊं, जो हमने दंत कथाएं सुनी है, तो डिगियाली जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात एक सप्ताह बाद जो है मनाई जाती थी। तो कई जगह ये 4 दिन बाद, कई जगह 7-8 दिन बाद इसका समय रहता है। तो उसमें ये माना जाता है कि डगियाई बोलते हैं जो महिला डाग होती है, वो डागड़े जो है वो कहते हैं जो पुरुष डाग होते हैं, उनकी कहते 2 रातें होती थी, एक दिन महिलाएं एक दिन पुरुष उसमें नृत्य करते थे। तो जब इसके संबंध के बारे में पता किया गया तो ये पाया गया कि जो उसका संबंध जो है सीधा भगवान श्री कृष्ण के जन्म से माना गया है, कि जिस तरह जो है जब कृष्ण जन्म हुआ तो उनको समाप्त करने के लिए जी। कंस द्वारा जो है कई राक्षसियों को, कई डाऊ चेलों को, सिद्धड़ पांडा का जो है वर्णन आज हमारी गाथाओं में आता है। सिद्धड़ पांडा को भी कहते ये लालच दिया गया, भाई अगर आप कृष्ण को मारते हैं तो आपको जो है राज दिया जाएगा जी। तो इस तरह के जो इसका संबंध माना गया है कि जब सारी उनने सबने प्रयास किया, कृष्ण भगवान को तो कुछ नहीं कर पाए, उनने अपनी लीला से सबको बचपन में उस छोटी मतलब बिल्कुल जन्म के बाद ही उन्होंने उनको ख़त्म किया। तो कहते हैं कि ये सभी एकत्रित होकर के इन्होंने प्रार्थना की, बाद में पता चला इनको भाई ये तो साक्षात भगवान है, विष्णु का अवतार है। तो उन्होंने ये विनती की कि अब हम तो ख़त्म हो चुके हैं, परंतु हमारा कम से कम नाम तो रहे, कम से कम 2 रात हमें जो है वो अपने प्रपंच दिखाने के लिए आप दें। तो एक शर्त पर जो है कहते हैं इन्हें ये वरदान मिला है कि आप किसी प्राणी मात्र का जो है वो नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है आप अपने प्रपंच दिखाओ पर किसी मनुष्य को आप जो है क्षति नहीं पहुंचाएंगे, परंतु मनुष्य कौन बचेगा जिस पर किसी की कृपा है जी। तो कृपा जो है यहाँ पर देवी देवताओं की रही है जी। तो इस नृत्य, ये जो नृत्य होता था, डगियाई नाच होता था, इससे पहले ही जो हमारे देवता के गुरु हैं, पंडित पुजारी है, वो चावल दे करके जो है वो रक्षा के चावल देते थे। हम घर की जो हमारे दरवाजे हैं उस पर भेखल और टिम्बर की टहनियाँ लगाते थे जी। तो इस नृत्य को शेप देने के लिए गहनता से काम किया गया। पहले कई जो है हमारे जो देव परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की और सारी एकत्रित करके दोनों हमारे महानुभाव जो है हमारे बड़े भाई साहब और सरेख साहब जी ने फिर इस पर नृत्य के लिए पोशाकें कैसी हो, क्योंकि ये नृत्य जो है दरअसल ये नग्न नृत्य होता था, परंतु अब नृत्य को अगर मंच पे दिखाना है तो वो तो वहाँ तो नग्नता से नृत्य नहीं किया जा सकता। तो फिर जो है इस तरह के मुखौटे की शेप दी गई जिसमें डरावने मुखौटे हो, क्योंकि ये जो हमारे डगियाली होती थी उनकी जीभें लंबी होती थी, तो उसमें जीभें दिखा करके पुरुष जो है हमारे डागड़े जिसको हम कहते हैं जी। उनके माथे पर कहते जो विष्ठा का वो तिलक लगाते थे, उस तरह की शेप देने की कोशिश की गई और उस तरह के परिधान बनाने की कोशिश की गई जिसमें लगे कि ये सांप आकार के या अजीब गरीब परिधान है। हालांकि अभी इसके परिधान पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं, इस पर कार्य चल रहा है जी। और अभी हम इसमें चाह रहे हैं कि हम इसमें जो है वो हमारे जो एक लकड़ी होती है जिसके हम किले वगैरह बनाते हैं, नगालठी जिसको हम कहते हैं अपनी लोकल कल में भी, उसकी उस तरह की एक सिमिलर पौधा होता है, उसकी कल में भी लिखने के लिए हम बनाते हैं, उसके भी हम परिधान इसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी लगे हैं, इसका कार्य कंप्लीट नहीं हुआ अभी, इसका कार्य जो है लगातार चला हुआ है और हम इसको और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं
जी बहुत खूबसूरत सर, कहीं ना कहीं समय के साथ संस्कृति को पकड़ कर रखना और संस्कृति के साथ चलना, और आपने जैसे कहा कि पहले जैसे नग्न रूप में करते थे और आजकल की डेट में आपने समसामायिकता को पकड़कर इसे थोड़ा अलग किया और कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखा, और डगियाली जात के संरक्षण के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे लगा जैसे हमारी कोई भी लोक गीत है या लोक संस्कृति है वो देवताओं से जुड़ी है, लेकिन आपने डगियाली की बात की तो दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को एक झलक। था डगियाली नृत्य और डीडी हिमाचल के साथ आप जो है इसी तरह से बने रहे। हाबी साहब, आपके हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो हमें पता ही है कि आपने जो है इस कला को प्रदेश में, देश में और देश विदेश के मंचों पर जो है इसका मंचन किया है, भविष्य में आपके और क्या क्या प्लान्स हैं? देखो, अगर हम देखें तो जो ये कार्य हुआ है जी, भले ही लगता है कि काफी काम हुआ है जी, परंतु मैं मानता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है। एक एक विधा को अगर हम गहनता से देखें तो उसमें अभी काम करने की काफ़ी गुंजाइश है। हमारी बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो अभी भी विलुप्त हुई हैं जी, और समय के साथ साथ और ज़्यादा विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि नौजवानों का रुझान किसी और तरफ को है। तो हमारा तो यही है कि हम इन विधाओं के पर और गहनता से कार्य करते रहें जी। हमारा जो लोक संगीत हैं, लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं, उसके साथ साथ हमारा जो लोकल क्राफ्ट हैं उस पर काम करते रहें। और दूसरा क्या, जैसे हमारा अपना ये रहा है कि हम मात्र गायन नृत्य तक सीमित ना रहें, गायन नृत्य के साथ साथ लोक नाट्य और उसके साथ साथ जो है हम क्राफ्ट की ओर जो है हम ध्यान दें, और कलाकारों को हम ऐसे बहु प्रतिभा जिनके अंदर हों ऐसे कलाकार हम तैयार करें, तो हमारा यही प्रयास रहेगा। और काम करने के लिए तो बहुत कुछ है, अभी है, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए मानते हैं जी। तो प्रयास यही रहेगा कि भविष्य में हम
इसी क्षेत्र में, लोक संस्कृति के क्षेत्र में गहनता से कार्य करें, क्योंकि अभी काम करना बहुत कुछ बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के जो युवा हैं वो संस्कृति, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का एक प्रभाव है और कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति के पास ही आना पसंद करेंगे। और कहीं ना कहीं आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को आप इस फील्ड में कि लोक संस्कृति की तरफ बढ़ें, वो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखो, नौजवान तो जो आजकल के हैं वो तो उनका तो रुझान जो है यही है कि हम सिर्फ अगर गायन नृत्य की बात करें तो स्टार बनना चाहते हैं। जी ऑब्वियसली। खैर स्टार तो स्टार शब्द हमारी संस्कृति में है ही नहीं। ये सब जो है एक बॉलीवुड की नकल जो है हमारे कलाकार करना चाहते हैं। आज की प्रस्तुतियां आप देखेंगे तो विभिन्न मंचों पर जो प्रस्तुतियां होती है वही भाग दौड़ उछल कूद हो रही है जो बॉलीवुड में होती है। अब कारण क्या है इसका कि हमारे जो नई पीढ़ी है उनको ये चीज़ें पसंद हैं। और पसंद क्यों हुई है वो एक छोटा सा उदाहरण मैं दूँ, हमारे आजकल के बच्चे ही हैं, उनको आप पटांडे खिलाएंगे वो नहीं खाएंगे, असकड़ी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, वो सिड्डू नहीं खाएंगे, चिप्स कुरकरे खाएंगे, वो मैगी भी खाएंगे जी। तो इसी तरह का टेस्ट हमारे आजकल के नौजवानों में, बच्चों में पैदा हो चुका है। कोई भी छोटा बच्चा पारंपरिक गीत नहीं सुनेगा, परंतु रिजल्ट भी वही है जो हमारे स्वास्थ्य का आज हो रहा है। अगर हम बच्चों को ये चीज़ें खिलाएंगे तो डॉक्टर बोल देंगे कि नहीं भाई, 2-4 साल बाद कि बच्चे को आप जो है इस चीज़ें बंद कर दो वरना आपका बच्चा बीमार हो जाएगा। तो यही बीमारी तो हमारी संस्कृति में आ रही है। अपनी बात मैं करता हूँ, जब ये शुरू में रिमिक्स गीत शुरू हुए थे तो हमें लगता कि वाह तो बढ़िया गा रहा है, एक लाइन हिंदी की, एक अंग्रेजी की, एक पहाड़ी की, परंतु आज हमें पता लग गया कि ये तो सत्यानाश हो जाएगा इससे। क्योंकि खतरा क्या है जो हमारी संस्कृति परंपराओं के लिए खतरा क्या है, आने वाले हमारे जो है 10-15 साल बाद जो हमारे ये नौजवान है वो सोचेंगे कि पारंपरिक गीत ही रिमिक्स गीत है। ठीक है रिमिक्स गीत गाओ, हिंदी गीत भी गाओ, परंतु इसको एक सीमा में रहने दो, वरना फिर हमारी पहचान तो खत्म हो जाएगी, संस्कृति खत्म हो जाएगी। बहुत खूबसूरत हाबी जी, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए, और आपका जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है, हमें आप पर बहुत गर्व है, और हम आशा करते हैं जो हमारे जो युवा आपको देख रहे हैं वो भी इसी तरह से आपसे जो है प्रेरणा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ गोपाल सिंह हाबी जी। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही, मुझे और दिव्या को दीजिए इजाजत, लेकिन आपको छोड़े चलते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ। धन्यवाद। चालो दाणी आए बढ़ाल की सगी रांदो, रोटो खानी रे चट रणे, नोईड के चालो दाणी आए बढ़ाल की सगी रांदो, रोटो खानी रे चट रणे, नोईड के चालो दाणी। चालो दाणी।